दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिंकल की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से कटहल की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक पतीला लेंगे, पतीले में 2 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर उसको हम गर्म करेंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है, इसमें हम अब 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे ताकि हमारा कटहल में अच्छी तरह नमक भीग जाए। उसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि हमारा सब्जी कलरफुल दिखे। हल्दी डाल देंगे, हल्दी डालकर इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम अपना कटहल काट कर धो लिए हैं और इसका हम बीज निकाल लेंगे, क्योंकि सब्जी में बीज अच्छी नहीं लगती है। और अच्छी तरह बीज निकाल कर उसको हम काट कर धो लेंगे। उसके बाद इसमें हम अपना कटहल डाल देंगे। और थोड़ी बहुत अगर बीज रह जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बॉयल होने के बाद अपना आप निकल जाता है। जब बॉयल हो जाए तो उसके बाद आप कटहल के बीज अलग निकाल दीजिएगा। उसके बाद इसको हम ढक कर कम से कम 80% इसको हम पकाएंगे। ज़्यादा नहीं उबालेंगे, ज़्यादा उबालेंगे तो हमारी सब्जी टूट जाएगी ज़्यादा सब कटहल। देखिए हमारा कटहल कितना कलरफुल दिख रहा है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारा कटहल हो गया है। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे और 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और हाँ दोस्तों, आप इसमें आप सरसों का तेल लीजिएगा, रिफाइन में कटहल की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। और तेल ज़्यादा लीजिएगा और इसमें हम अपना कटहल डालकर भूनेंगे। आप देख सकते हैं हल्दी डालने से कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा कटहल की सब्ज़ी देखने में। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारा कटहल भुना गया है, इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कटहल निकाल लिए हैं। उसके बाद हम सरसों का तेल लेंगे और 4 बड़े चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे। कटहल की सब्ज़ी में तेल ज़्यादा लगती है, इसीलिए आप तेल में कंजूसी मत करिएगा। अगर तेल कम डालेंगे तो आपकी सब्ज़ियाँ ख़राब हो सकती है। हम 4 बड़े चम्मच यहाँ तेल लिए हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा चटक जाए तो उसमें हम 2 तेज़पत्ता तोड़कर डाल देंगे। डाल कर इसको हम थोड़ा भून लेंगे। सब्जी के लिए हैं हम प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हमारा हरी मिर्च चल गया है, इसमें हम अपना प्याज डाल देंगे। और हाँ दोस्तों, याद रहे अगर आपके कटहल 1 केजी है तो उसमें आप 1/2 केजी प्याज लीजिएगा, क्योंकि कटहल की सब्जी में प्याज ज़्यादा लगती है। प्याज हम डालकर इसको भून लेंगे। तो हमारा प्याज भून रहा है, इधर हम अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट उसको ज़्यादा थोड़ा सा कोशिश करें तो ज़्यादा कूट दें, उसको हम खल में कूट देंगे बारीक एकदम। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। हमारा प्याज भून रहा है अभी। हमारा प्याज भून गया है। अब
इसमें हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा उसमें हम पानी मिक्स कर देंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जले ना। ढक्कन चला लेंगे इसको। उसके बाद हम एक चम्मच नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर थोड़ा सा चला लेंगे। मसाले में हम लेंगे काली मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और जीरा पाउडर। सारे मसाले को हम डाल देंगे। हमने सूखी मसाले लिए हैं, डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। आप चाहे तो इसको हम घोल कर भी डाल सकते हैं। डालकर इसको हम भूनेंगे और गैस को लो मीडियम पर रखिएगा। उसके बाद हम लेंगे एक चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला को घोल कर डालेंगे। गरम मसाला को घोल कर ही डालना चाहिए, उससे हमारी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। डालकर अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखिएगा तो हमारा जब तेल, देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है मसाला, वो इसमें हम अपना कटहल डालेंगे। कटहल डालकर इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है दोस्तों, आप भी घर पर ज़रूर बनाइएगा। इसको हम चला लेंगे और ढक देंगे, इसको हम ढक ढक कर पकाएंगे। उसके बाद एक कटहल का पानी लिया है हमने, जो बॉयल किया हुआ कटहल था उसमें का हम पानी लिया है। पानी को फेंकना नहीं है, उसको हम सब्जी में डालने के लिए रखे थे, आप भी पानी को मत फेंकिएगा। इसमें हम पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी लगभग भूनने वाली है। तो ढक कर 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है मेरी सब्जी। हमारा सब्जी लगभग हो गया है। चला लेंगे अच्छी तरह थोड़ा सा। कटहल की सब्जी सूखी ही अच्छी लगती है, ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती है। कटहल का जब आप कटिंग करिएगा तो छोटा छोटा पीस मत करिएगा, थोड़ा सा इसको हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसको आप रोटी चावल के साथ परोसकर खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक रखिएगा, आप लोग थोड़ी सी वीडियो देखकर भाग जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले।